ऐसा क्षण था कि जिस क्षण का हम सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। पिछले 3 महीने से इस लॉकडाउन की सिचुएशन में जितना हो सकता था हमने ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे भारत में जितना हो सके उतना हमने प्रचार प्रसार करने की कोशिश की, लेक्चर सीरीज़ की, हमने कई सारे वर्कशॉप्स ऑनलाइन किए और हमने सबको कहा कि ये जो क्षण है आपको वहाँ से आपकी जगह से देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप यहाँ आ भी नहीं पाएंगे, लेकिन विज्ञान प्रसार और उसकी पूरी टीम आपके लिए ज़रूर प्रयासरत रहेगी। और हमने पहले प्लान किया था कि हम 5-6 जगह से इस तरीके का स्टेशन इस्टेब्लिश करेंगे और प्रोग्राम इस पूरे नज़ारे को कैप्चर करेंगे, लेकिन जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन कोविड की वजह से बिगड़ती चली गई और सोशल डिस्टेंसिंग कई सारे हमारे ऊपर निर्बंध आए, तो ऐसे क्षण में एक टीम को तो किसी को दायित्व लेना था, तो हमने खगोल विज्ञान की पूरी टीम जो 4 लोगों की है विज्ञान प्रसार की तरफ से, हमने सोच लिया कि हम जरूर जाना चाहेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो हमने सभी नॉर्म को फॉलो करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग से लेके हर तरीके की चीज़ों को फॉलो करते हुए हम 4 लोग यहाँ पहुँचे। और जब आप जानते होंगे जब दिल्ली से हम निकले थे तो कल काफ़ी बादल थे, तो मन में इस आशंकता थी कि क्या होगा, तो हमने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। तो कल हम आके यहाँ पे पूरे बेल्ट में जाकर देखा कि कौन सी जगह से अच्छा दिख सकता है, कौन सा लोकेशन अच्छा रहेगा, और आज हम जिस जगह पे खड़े हैं वो इक्लिप्स का बिल्कुल सेंट्रल लाइन पे हम खड़े हैं कि यहाँ से सबसे ज़्यादा इक्लिप्स देखने को मिलेगा, वो लगभग 27 सेकेंड का था। तो सुबह जब हमने देखा कि थोड़े से हल्के से बादल थे लेकिन 7:30 के आसपास वो भी क्लियर हुए, और उसके बाद का जो नज़ारा है, हमारी पूरी टीम, हमारे विपनेट के काफ़ी सदस्य लखनऊ, फरुखाबाद, अलग अलग जगह से आए थे, विज्ञान प्रसार की भी कोरोनाडो सोलर टेलीस्कोप के साथ, क्वेस्टास के साथ, सोलर फिल्टर्स के साथ, सब लोग तैयार थे। और उसके बाद जब हमने प्रथम स्पर्शे उसको अवलोकन किया, वो नज़ारा हमने सब ने अपने कैमरे में हार्ड ड्राइव में कैद कर लिया, और वो जो क्षण था वो एक्साइटिंग मोमेंट था, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला है वो लगभग 10 साल तक देखने को नहीं मिलने वाला है। तो हमने सोचा कि हम जितनी मेहनत कर सकते करनी चाहिए, और हमारी पूरी मेहनत सफल रही ऐसा मुझे लगता है, तो हम खुश होके वापस जाए। और हम लोग विज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज 21 तारीख को सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में हम लोग सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, और विज्ञान प्रसार का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने ये मौका दिया कि इस मौके पर हम लोग सब लोग एकत्रित हो सकें और सोलर इक्लिप्स के नज़ारे का भरपूर आनंद ले सकें। एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लेकिन कोरोना की वजह से हम लोग जितने लोगों की सोच रहे थे भी यहाँ पहुँचेंगे हम लोग, पिछले साल जैसे हम लोगों ने प्लान किया था हम लोग इस डेट को कुरुक्षेत्र इकट्ठा होंगे विज्ञान प्रसार के लोग, तो उसमें हमें निराशा थोड़ी सी हुई कि कोरोना की वजह से हम लोग यहाँ पे सब लोग नहीं हो पाए। विशेष कुछ लोग ही यहाँ पे शामिल हुए हैं, विज्ञान प्रसार की टीम यहाँ पे है, लखनऊ से टीम हमारे यहाँ पे है, हमारे जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पे हैं सूर्य ग्रहण को जो है, क्योंकि आज के दिन इसकी जो साइड की लेयर्स होती हैं वो ही हम लोग देख पाते हैं, इसलिए नंगी आँखों से देखने से जितने भी लाइट जो है वो हमारी आँखों के ऊपर सीधा इफेक्ट करती हैं, वो हमारी आँखों को ख़राब भी कर सकती हैं, ना हमें आंखों से देखना चाहिए, नंगी आंखों से देखना चाहिए, ना ही कैमरे की नज़र से इसको देखना चाहिए, क्योंकि कैमरा भी उसको फोकस करके हमारी आइज़ के ऊपर डालता है जिससे हमारी आंखें ख़राब हो सकती हैं, कैमरा भी ख़राब होता है। तो हमें सोलर फिल्टर का प्रयोग जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट भी किया है, आज विज्ञान प्रसार ने भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, उन सोलर फिल्टर के माध्यम से ही हमें देखना चाहिए और हमें सुरक्षित रहना चाहिए। वलयाकार सूर्य ग्रहण, एनुलर सोलर एक्लिप्स जिसको कहा जाता है साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में, उसके अवलोकनार्थ जो है यहाँ अपनी टीम के साथ आया हुआ था। और जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, तो विज्ञान प्रसार जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, तो उसका एक फैमिली है विज्ञान प्रसार नेटवर्क ऑफ क्लब्स, उनके अंतर्गत मेरा एक अपना क्लब है जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, कोऑर्डिनेटर भी हूँ, यूनाइटेड माइंड्स विपनेट क्लब, और मैं अपने मित्र स्वप्निल रस्तोगी जी, डॉक्टर संघर्ष राव और पुष्कर पाठक जी की टीम के साथ लखनऊ से फरुखाबाद से यहाँ ज्वाइन किया था। और ये एक अनुपम छटा थी जिसका हम लोगों ने न केवल अवलोकन किया बल्कि उसका वैज्ञानिक परिशीलन भी किया, और कई हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, कई एलाइड एक्सपेरिमेंट्स के साथ अंत में हम लोग जो है यहाँ पर अत्यंत एक्साइटेड रहे, क्योंकि कह लीजिए कि विषमतम परिस्थितियों में से सर्वोत्तम रिजल्ट जो है आज हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ है कुरुक्षेत्र की इस धरा से। इरादा एक संस्था है कुरुक्षेत्र से, उनके सहयोग से और विपनेट के सहयोग से यहाँ सूर्य ग्रहण का अवलोकन करने आया था। मैं अपनी गुड़िया के साथ आया और आज यहाँ टेम्परेचर वेरिएशन भी देखी सोलर इक्लिप्स के साथ साथ, और कोरोना की वजह से बच्चे स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से
सूर्य ग्रहण के बारे में बताया भी, लाइव टेलीकास्ट किया उसका और बच्चों को दिखाया कैसे सूर्य ग्रहण हुआ और उसके बारे में बताया, बच्चों को बताया और व्यूअर्स को बताया ये एक खगोलीय घटना है, इसे अंधविश्वास के साथ ना जोड़कर देखा जाए। नज़दीक ही ये गांव सहरसा है जहां हमने सेटअप किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो बच्चों कहा भी आप यहां आए और अवलोकन करें। आसपास के गांव से बच्चे आए भी हैं देखने के लिए, बहुत एक्साइटेड थे। और अभी थोड़ी देर पहले जब पूरा 100% कम्प्लीट हुआ तो नज़ारा कुछ अलग ही था, अद्भुत प्रकृति का नज़ारा लगा। ये मेरा तीसरा सोलर एक्लिप्स था, इससे पहले मैंने एक कन्याकुमारी और ऊटी में देखा था, एंड तीनों सोलर एक्लिप्सेस बहुत बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंसेस थे मेरे लिए, एंड एक नए लेवल का एक्साइटमेंट होता है जब हम ये देखने आते हैं। सो अब नेक्स्ट टाइम जब होगा मैं उसके लिए भी एक्साइटेड हूँ, एंड ऐसा अगर लाइक आई एम बिकमिंग एन एक्लिप्स चेजर। रैशली देखा जाए तो ऐसा कोई मिथ्स होना नहीं चाहिए, एंड इससे बल्कि हमें और नॉलेज मिलती है हमारे सराउंडिंग्स, हमारे स्पेस के बारे में, एंड ये ऐसा फिनोमेना है जो मिस आउट नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ सम मिथ्स। बहुत अच्छा लगा, पहली बार ही देखा हमने तो। देखिए मैंने पहली बार ऐसे लाइव देखा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी टेक्नोलॉजी के साथ इसको दिखाया। लोग इसको नंगी आंखों से देखते हैं जिससे कि आंखों के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर होता है, तो आपके पास बहुत ऐसी चीज़ें थी जिसके साथ देखने के बाद लोगों को पता लगा भी सूर्य ग्रहण को इस तरह से भी देखा जा सकता है। और आपकी टीम आई, उन्होंने बहुत कुछ अच्छे मैसेज दिए, लोगों को इकट्ठा किया और एक ग्रुप बना के दिखाया सबको भी ऐसे इसको देखो, इस तरीके से देखो और प्रकृति के साथ जुड़ो। बहुत अच्छा लगा आप हमारे यहाँ कुशेत्रा में आए।